हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल #smiley। सो गाइस, हम अपना ये इसका थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपना कर रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर पे मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और अब मैं अपनी सेकंड वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल #smiley को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, अभी तक जो मैं पीछे वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि BPA होता क्या है, हमने उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BPA, कि BPA को हम इम्प्लाई कैसे करते हैं, उसको जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ 8 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो ये 8 स्टेप हैं, हमें डिफाइन की हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि वाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट द BPA, कि हमें BPA की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हमें सेकेंड जो स्टेप है उसके अंदर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रूल्स रेगुलेशंस को BPA से रिलेटेड, और हमारी लॉ की कंप्लाइंसेज है उनको देखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड आता है, हमें डॉक्यूमेंटेड मेंटेन करना पड़ेगा हमारी प्रोसेस का, जो हमने क्या किया ऑटोमेटेड किया है। फोर्थ स्टेप के अंदर हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स को, गोल को डिफाइन करना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप के अंदर हमें बिज़नेस की प्रोसेस, जो हमारा कंसल्टेशन है, कंसल्टेंट है, उससे हमें बात करनी पड़ेगी, यानी कोई भी जो एक्सपर्ट होता है जिस चीज़ जिस काम को करने के लिए, हमें उससे क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। उसके बाद हमें हमारी ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करने की प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट स्टेप जो 7 स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे BPA का, और 8 स्टेप के अंदर हम BPA को टेस्ट करेंगे। अब वन बाय वन हम इनको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट, ये क्वेश्चन भी गाइज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेप है जो BPA को इम्प्लीमेंट करने में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है कि डिफाइनिंग वाई वी प्लान टू इम्प्लीमेंट अ BPA, कि हमें BPA की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम क्यों प्लान करते हैं कि हम बिज़नेस प्रोसेस ऑटोमेशन को हमारे बिज़नेस के अंदर लेके आएंगे। तो जो फर्स्ट रीज़न होता है वो क्या होता है कि एरर इन, जो हमारी मैनुअल प्रोसेस थी, यानी पहले हम जो हमारी मैनुअल प्रोसेस यानी नॉन इलेक्ट्रॉनिकल प्रोसीजर को फॉलो कर रहे थे, तो उस प्रोसीजर के अंदर क्या थे, कुछ एरर थे। तो उन एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, BPA का यूज़ करते हैं। उन एरर की वजह से हमारी कॉस्ट भी क्या आती थी, हाई आती थी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पेमेंट प्रोसेस नॉट स्ट्रीमलाइंड, यानी जो पेमेंट की प्रोसेस थी वो स्ट्रीमलाइन नहीं थी ड्यू टू डुप्लीकेट और लेट पेमेंट। मतलब जो हमारी फिजिकल प्रोसेस थी उसके अंदर क्या होता था कि हमारा लेट पेमेंट हो जाता था, कोई पेमेंट मिसिंग हो जाता था, मतलब किसी को कोई डिस्काउंट दे दिया या फिर कुछ भी, मतलब अनऑथराइज डिस्काउंट दे दिया, तो हमें पता नहीं चलता था कि किस बंदे को क्या डिस्काउंट दिया है, कब दिया है। तो उन सब के अंदर क्या रहती थी, दिक्कत रहती थी। तो अब ये जो हमारा BPA होता है वो इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, BPA की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट रिसीव, कि हमने क्या किया, जो गुड्स एंड सर्विसेज उनके लिए पे कर दिया जो हमें क्या हुए, रिसीव ही नहीं हुए। फिजिकल प्रोसेसर के अंदर क्या रहता था, एक ही एरर आने का भी चांसेस रहते थे। उसके बाद आता है पुअर डेटा मैनेजमेंट, यानी डेटा का बहुत गंदा मैनेजमेंट रहता था, मतलब नहीं तो सही टाइम पे हमें पूरे डेटा से पैसे रिसीव हो पाते थे और नहीं हमें उन्हें क्या था, मोबाइल जो हमारा माल है वो प्रोवाइड हो पाता था। तो ये क्या हो गया, आपको इसमें इतने सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है सारे पॉइंट, आपको लगभग फोर टू सिक्स पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कि अगर आपसे ये पर्टिकुलर एक पॉइंट भी पूछ लिया जाए कि स्टेप डिफाइन करो कि हमें BPA की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो आपको कम से कम मतलब 4 to 6 पॉइंट तो आने ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि नॉट बीइंग एबल टू फाइंड द डॉक्यूमेंट क्विकली, मतलब क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि हम सर्च करके हमारे डॉक्यूमेंट्स को हमारे कंप्यूटर के अंदर से निकाल सकते हैं, बट जब हम क्या करते हैं फिजिकल फॉर्म के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट को हम स्टोर करके रखते हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट को सर्च कर पाना क्या नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। तो हमें खुद को ही क्या करना पड़ता है, हमारे डॉक्यूमेंट को सर्च करना पड़ता है, फिजिकली उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो वो क्या होता है, हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, BPA की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम क्या कर सकें, ईजिली हमारे डॉक्यूमेंट्स को फाइंड कर सकें। उसके बाद आता है लेंथ और इनकम्प्लीट न्यू एम्प्लॉय और न्यू अकाउंट और न्यू ऑनबोर्डिंग, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने हमें न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितने जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं जो हमने अपॉइंट किए हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमें उन्होंने क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया। तो वो सब के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, BPA की ज़रूरत होती है।
कस्टमर की सर्विस बहुत ज़्यादा पुअर थी, मतलब बहुत घटिया सर्विस हम कस्टमर को प्रोवाइड करवा पा रहे थे फिजिकली के थ्रू, तो इसलिए हमें बीपी की ज़रूरत पड़ी। अनेबल टू रिक्रूट एंड ट्रेन, हमें क्या कर रहे थे कि हम नए एम्प्लॉय को नहीं तो उनको नए एम्प्लॉय को हायर कर पा रहे थे और न ही नए एम्प्लॉयज़ को हम क्या दे पा रहे थे, ट्रेनिंग दे पा रहे थे। तो इसलिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, बीपी की ज़रूरत होती है। लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस, जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमारी बिज़नेस प्रोसेस को भी समझने में, मतलब उसको हमारी जो बिज़नेस प्रोसेस है वो उसको अच्छे से समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, बीपीए की ज़रूरत होगी। तो बीपीए की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी मैनुअल प्रोसेस के अंदर एरर थे जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आती थी, पेमेंट प्रोसेस सही नहीं था, हम डेटर का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने रिसीव नहीं हुई उनके लिए भी हमें पे करना पड़ता था, लेंथी है, इनकम्प्लीट प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट को फाइंड नहीं कर पाते थे क्विकली, उसके बाद मैनेजमेंट को बिजनेस प्रोसेस का नॉलेज ही नहीं होता था और पुअर कस्टमर की सर्विस होती थी। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमें किसकी ज़रूरत पड़ती थी, बीपीए की ज़रूरत है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, देखो द आंसर इज टू द क्वेश्चन विल बी प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए। ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, हमें बताएगा, जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाएगा कि हमें बीपीए को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है इसका, वो आता है अंडरस्टैंडिंग द रूल्स रेगुलेशन अंडर विच एंटरप्राइजेज नीड्स टू कम्प्लाई विद। तो जो सेकेंड स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप तो हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं वाई वी नीड टू प्लान द बीपी, कि हमें बीपी की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड स्टेप आता है जो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है रूल है रेगुलेशन है जो एंटरप्राइजेस पे अप्लाई होते हैं, जिन्हें एंटरप्राइजेस को क्या करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। जैसे देखो रूल्स एंड हमारे जो एक आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं हमें क्या करने रखता है, उन्हें 8 ईयर तक क्या रखना पड़ता है, उनको रखना पड़ता है। 8 ईयर के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, उससे पहले हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। यानी 8 ईयर से पहले हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो अब डिस्कार्ड नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया, एक रूल हो गया कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम 8 ईयर से पहले क्या नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रूल हो गया। तो वैसे ही हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो हम बीपीए के थ्रू हम हमारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहे हैं उनको कितने साल तक हमें रखना पड़ेगा, उन पर क्या रूल्स लोग की क्या क्या कंप्लाइंस होती है, तो उन सबको हम क्या करते हैं, देख के चलते हैं। यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑटोमेशन इन एनी बिजनेस प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ एंगेजमेंट। ये हमें इसके अंदर क्या करते हैं, रूल को अंडरस्टैंड करते हैं, विच इंक्लूडिंग फॉलोइंग द रूल्स। इसके अंदर फॉलोइंग ये रूल्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एडरिंग टू द रेगुलेशन एंड फॉलो द डॉक्यूमेंट रिटेंशन रिक्वायरमेंट, कि हम देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट को कितने साल तक हमें रिटेन करके रखना पड़ेगा। फिर आता है द गवर्नेंस इज इस्टेब्लिश बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल कॉरपोरेट पॉलिसी एक्सटर्नल इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड लोकल स्टेट और सेंट्रल लॉ। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें हमारे सेंट्रल लॉ की स्टेट लॉ की तो उन सब की रिक्वायरमेंट क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। तो वो सब उनको क्या करेंगे, ध्यान में रख के हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि रिगार्डलेसली ऑफ द शोर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। मतलब आपको इस पॉइंट के सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेकंड पॉइंट जिसके अंदर क्या करते हैं, हम रूल और रेगुलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी हमारी जो सेंट्रल कॉरपोरेट पॉलिसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, लोकल लॉ, स्टेट लॉ, और ये सारे क्या हो रहे हो, फॉलो हो रहे हो, और हमारे डॉक्यूमेंट को हमें कितने टाइम के लिए रिटेन करके रखना है वो क्या हो रहा हो, फॉलो हो रहा हो। तो ये थर्ड स्टेप, जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हम डिफाइन करके चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप आता है डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेड करेंगे जिसे हम क्या करना चाहते हैं, ऑटोमेटेड करना चाहते हैं, कि उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे जिन्हें हम क्या करना चाहते हैं, सॉरी उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेट करेंगे जिसे हम क्या करना चाहते हैं, ऑटोमेटेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट की हमें नीड होगी, व्हाट डॉक्यूमेंट नीड टू कैप्चर, उन्हें किस, कहाँ से वो डॉक्यूमेंट आएंगे, वेयर कम फ्रॉम, कहाँ से वो डॉक्यूमेंट आएंगे, किस फॉर्मेट, व्हाट फॉर्मेट के अंदर, हम किस फॉर्मेट के अंदर उसको रखेंगे, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट होगा, पेपर फॉर्मेट होगा, फैक्स होगा, मेल होगा, किस फॉर्मेट के अंदर हम उसको रखने वाले हैं। फिर कौन कौन उस प्रोसेसर के अंदर इंक्लूड होगा डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, क्या इम्पैक्ट होगा रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर उसका, कैन बी देयर बेटर, अगर कोई और भी सिंपल जॉब, कोई और भी वे, क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है,
उसके बाद आता है बेनिफिट। बेनिफिट के अंदर इट इज़ प्रोवाइड क्लियरिटी ऑन द प्रोसेस। ये क्या प्रोवाइड करेगा? क्लैरिटी प्रोवाइड करवाएगा हमें प्रोसेस की। बिकॉज जैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके चलते हैं, तो डॉक्यूमेंट मेंटेन होगा तो वो हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा? क्लैरिटी प्रोवाइड करवाएगा कि हमें पता चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस टाइप की प्रोसेस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मेंटेन किया गया है, कौन सी क्वालिटी को मेंटेन किया गया है, क्या कुछ नहीं किया, तो उसके बारे में हमें क्या मिलती है? क्लियरिटी मिलती है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा सोर्स हमारा इफ़िशेंसी है, बॉटलनेक है, या कोई किस सोर्स के अंदर या किस प्रोसेस के अंदर हमारी क्या है प्रॉब्लम आ रही है, तो कहाँ पे इनइफिशेंसी यूज़ हो रही है, तो उसके बारे में भी हमें क्या होगा पता चलेगा। उसके बाद क्या आता है? इट अलाउ टोरे डिज़ाइन द प्रोसेस टू फोकस ऑन डिज़ायर रिजल्ट विद वर्क फ्लो ऑटोमेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें कुछ वर्क अपने आप क्या होगा ऑटोमेशन भी, वर्क फ्लो भी मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेप आती है, वो आती है डिफाइन करते हैं हम हमारे किसको, ऑब्जेक्ट को, गोल को, जो हमें क्या करने हैं अचीव करने हैं। इम्प्लीमेंटेशन BPA को इम्प्लीमेंट करके हमें क्या करने हैं अचीव करने हैं। जो हमारे गोल होते हैं वो कौन से होने चाहिए? हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब यानी स्पेसिफिक, यानी क्लियरली डिफाइन हो जाने चाहिए कि हमारा ये गोल है। जैसे मान लो कि हमें 10,000 यूनिट क्या करनी है, 1 साल के अंदर सेल करनी है, तो ये हमें 10,000 यूनिट क्या करनी है, 1 साल के अंदर सेल करनी है, तो ये क्या हो गया हमारा स्पेशल गोल हो गया। तो यानी प्रॉपरली डिफाइन होने चाहिए। उसके बाद आता है मेजरेबल। एम का क्या हो गया? मेजरेबल, यानी हमारे गोल क्या होने चाहिए? मेजरेबल यानी क्वांटिफाइएबल होने चाहिए, यानी उनको मॉनिटरी आइटम के अंदर मेज़र कर सके। जैसे ये मान लो 10,000 यूनिट होगी, तो ये क्या हो गया क्वांटिफाइएबल हो गया। या फिर मान लो 10 लाख का हमें माल सेल करना है, तो वो भी क्या हो गया क्वांटिफाइएबल हो गया, मॉनिटरी टर्म के अंदर हो गया। उसके बाद ए का मतलब क्या आता है? अटेनेबल होना चाहिए, यानी ऐसा गोल होना चाहिए जिस हम क्या कर सके अचीव कर सके, ऐसा ना हो जिसे हम अचीव ना कर सके। तो गोल क्या होना चाहिए? अटेनेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है रिलीवेंट होना चाहिए, यानी वो उस इंडस्ट्री से क्या करता हो रिलेट करता हो, उस एंटिटी से क्या करता हो रिलेट करता हो। जैसे मान के चलो मैं बिज़नेस तो किसका कर रही हूँ, क्लोथ का कर रही हूँ, और मैंने गोल क्या सेट कर दिया, मुझे 10 लाख रुपए की क्या सेल करने हैं, मुझे 10 लाख रुपए की गेहूँ सेल करनी है, तो ये तो मेरे बिज़नेस के क्या हो गया बिल्कुल अगेंस्ट ही हो गया। मैं क्लोथ का बिज़नेस कर रही हूँ, तो मेरा पर्पज़ 10 लाख रुपए की गेहूँ को सेल करना कैसे हो सकता है? तो ये क्या हो गया रिलीवेंट, यानी क्या होना चाहिए हमारे गोल रिलीवेंट होने चाहिए, हमारे एंटिटी से रिलेटेड होने चाहिए। टाइमली हमारे गोल ऐसे हो जाने चाहिए जो हमें गिवन टाइम पीरियड के अंदर क्या होने चाहिए अचीव होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं 10 लाख क्लोथ की यूनिट को क्या करूँगी सेल करूँगी 1 ईयर के अंदर, तो ये 1 ईयर क्या हो गया एक टाइम पीरियड हो गया, और इस टाइम पीरियड के अंदर मैं क्या करूँगी अपने गोल को अचीव करूँगी, तो ये क्या हो गया टाइमली होने चाहिए। अब यहाँ पे ये आपको एक केस दिखाया हुआ है, तो ये आप पढ़ लेना, एग्जांपल दिए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है, इसके अंदर कुछ खास डिफाइन नहीं किया हुआ। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या बोलता है हमारा कि इंगेजिंग द बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा कंसल्टेशन होता है उसको हम क्या करते हैं इन्वॉल्व करते हैं। अब कंसल्टेशन कौन होता है कि जो क्या हो उस काम को करने के अंदर एक्सपर्ट होता है, तो हम उससे कर लेते हैं एडवाइस लेते हैं। ये पढ़ने से पहले आप फटाफट फोर जो भी हम स्टेप पढ़ चुके हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप गाइज आपने डिवाइस कर लिया होगा। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हम कंसल्टेशन से क्या करते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। तो कंसल्टेशन को हम अपने बिजनेस के अंदर लेके आते हैं। अब कंसल्टेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ कंसल्टेशन इन अंडरस्टैंडिंग इवेलुएटिंग द एंटिटी सिचुएशन, कि जो कंसल्टेशन है हमारा उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि वो एंटिटी की सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करेगा। हमारा कंसल्टेशन हमारे एंटिटी की सिचुएशन को कैसे कंसल्ट मतलब उसको अंडरस्टैंड करेगा वो हमें देखना है। फिर देखते हैं हम डज कि कंसल्टेशन के पास क्या एक्सपीरियंस है क्या हमारी बिजनेस की प्रोसेस से रिलेटेड, कि उसे पता तो है क्या कि बिजनेस की प्रोसेस को हम जो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन को कैसे इम्प्लाई करना है, किस टाइप के बिजनेस में किस टाइप की प्रोसेस को फॉलो करना है, तो उसे पता है या फिर नहीं पता उसके बारे में हम देखते हैं। फिर देखते हैं इज़ द कंसल्टेशन एक्सपीरियंस
इन सॉल्व द क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज, जो कंसल्टेशन है उसे क्या एक्सपीरियंस तो है ना, जो हमारे डिफ़िकल्ट इश्यूज हैं हमारे बिजनेस के, उनको क्या करने का, सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा कंसल्टेशन है हमारी एंटिटी की सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, फिर देखेंगे कि हमारे कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस तो है ना बिजनेस प्रोसेस का, फिर हम देखते हैं हमारे कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है ना क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, जो क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने का, फिर हम देखते हैं whether the consultation is capable of recommending and implementing a combination of hardware, software and service as appropriate to meeting the entire enterprise's BPA requirement. तो उसके बाद देखते हैं कि consultation है हमें कुछ recommendation कर रहा है क्या, यानी हमें कुछ offer कर रहा है क्या, यानी ऐसे कुछ hardware और software का combination जो हम हमारे system के अंदर क्या कर सकें, imply कर सकें और हमारे BPA की requirement को हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। यानी जो consultation है वो हमें ऐसा कुछ hardware और software का combination provide करवा रहा है क्या, जिसको हम हमारे enterprises के अंदर क्या कर सकें, implement कर सकें और फिर हम हमारे जो BPA की requirement है उसको क्या कर सकें, पूरा कर सकें। अगर consultation Does the consultation have the required expertise to clear the articulated the business value of every aspect of proposed solution? फिर हम देखते हैं कि जो consultation है उसके बाद हर जो हमारी business की जो solution पर सॉरी हर जो हमारी business की problem है उसका solution है या फिर नहीं है उसके पास। उसके बाद आता है थर्ड सिक्स स्टेप क्या आता है, कैलकुलेट द आरओआई ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो अब क्या करते हैं हम, कभी भी हमारे एम्प्लॉय के अंदर जो हमारे एंटरप्राइजेस के अंदर हम कुछ नया करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ ना हमें तो हमारा पुराना काम ही चाहिए, हम हमारे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे नए प्रोसेस को क्या नहीं करते, अपनाना नहीं चाहते, मतलब उसको फॉलो नहीं करना चाहते। क्यों फॉलो नहीं करना चाहते, बिकॉज वो पहले वाली जो प्रोसेस कर रहे होते हैं उनके उनके अंदर क्या होता है, कंफर्टेबल प्रोवाइड होता है, वो चाहते हैं कि बस यार हम ये पुराना काम करते रहे, हमें कोई नया काम करने को ना मिले। सो ऐसा क्यों होता है कि अगर उन्हें ऐसे लगता है कि बिज़नेस के अंदर कोई नई पॉलिसीज़ आ गई, अगर कोई हमने नई टेक्निक को फॉलो किया तो क्या होंगे, बिज़नेस के अंदर नए एम्प्लॉयज़ आएंगे जिससे क्या होंगे, पुराने एम्प्लॉयज़ को छोड़कर जाना पड़ेगा एंटरप्राइजेस, तो उन्हें अपनी नौकरी का भी डर रहता है, तो इसलिए क्या होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पुराने तरीक़ों को अपनाना ज़्यादा बेटर करते हैं। तो अब नए तरीके को हम अपनाएंगे तो क्या होगा, हमें एम्प्लॉयज़ को समझाना पड़ेगा कि नए तरीके को अपनाने से हमें ये बेनिफिट्स होंगे, ये फ़ायदा होगा, ये करने से तुम लोगों को ये फ़ायदा होगा, एंटरप्राइजेस को ये फ़ायदा होगा, तो हमें ऐसा कुछ उनको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट की इनकम को, हमारे प्रोजेक्ट की रिवेन्यू को, यानी रिटर्न कितना मिल रहा है हमें उस प्रोजेक्ट पे, तो वो हम क्या करते हैं इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं वो क्या चाहेंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि हम BPA को इम्प्लीमेंट करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो वो उनके साथ क्या होनी चाहिए, क्लियरली कम्युनिकेट होने चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, हम BPA को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो इसके अंदर देखो, द राइट बिजनेस केस हैज़ टू बी मेड कवरिंग द टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी टू जस्टिफाई अप्रूवल ऑफ द इम्प्लीमेंशन ऑफ BPA एंड द बेस्ट वे ऑफ द कन्वीनियंस वुड वी जनरेट द प्रोजेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन टू द स्टेक होल्डर द BPA शैल नॉट ओनली द कॉस्ट ट्रेविंग फॉर द एंटरप्राइजेस बट ऑल्सो इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब देखो इसके अंदर क्या क्या है कि हम क्या करेंगे, हमारे स्टेक होल्डर को सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि ये क्या कर रहा है, हमारी कॉस्ट के अंदर सेविंग कर रहा है, इससे हमें खर्चा कम होगा, इससे हमें बेनिफिट ज़्यादा होगा, हम ये ही नहीं बताएंगे हमारे स्टेक होल्डर को, बल्कि हम ये भी बताएंगे कि ये जो हम BPA का सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे हमें क्या प्रोवाइड होगी, जो इफ़िशेंसी और इफेक्टिवनेस भी हमें क्या होगी प्रोवाइड होगी, तो वो भी हमें बताएंगे। देखो इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे स्टेक होल्डर के साथ, हम उन्हें ये बताएंगे इससे क्या होगी, कॉस्ट की सेविंग होगी, इससे क्या होगा सेविंग इन एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर सेविंग होगी, क्योंकि जहाँ पे 10 एम्प्लॉय मिलके उस काम को कर रहे थे अब सिर्फ एक मशीन मिलके उस काम को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है, तो उससे क्या होगा हमें एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा हमारे पास क्या होगा सेविंग होगी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हाउ द BPA कुड बी लीड टू रिडक्शन इन मेन पावर लीडिंग टू नो न्यू रिक्रूटमेंट, यानी क्या होगा 10 बंदों का काम सिर्फ एक मशीन ही कर लेगी, तो हमें क्या होगा नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे हमें उनको नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको ट्रेन करना नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होगा हमारे अंदर कॉस्ट की सेविंग होगी। फिर आता है कि कॉस्ट ऑफ स्पेस
मतलब इससे क्या होगा, पेपर है, फाइल, कैबिनेट, उन सब का यूज़ भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एलिमिनेट द फाइन, फाइन्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा बीपी क्या होगा, हमारी, हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था कि ये क्या करता है, रूल्स रेगुलेशन की कंप्लाइंस को भी पूरा करेगा। तो रूल्स रेगुलेशन की कंप्लाई पूरा होने के कारण हमें क्या होगा, हमें कोई भी फाइन नहीं भरना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे फाइन्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑडिट और लो शूट की भी कॉस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, हमें एडवांटेज मिलेगा डिस्काउंट्स का, और एलिमिनेट हो जाएगा डुप्लीकेट पेमेंट का। हम क्या करेंगे कि एक अच्छे टाइम पे हम हमारा जो पेमेंट है वो कर पाएंगे, जिससे हमें अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और हमें डबल पेमेंट करने से भी छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद आता है न्यू रिवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटी, नए नए रिवेन्यू जनरेट होंगी हमारे पास, और इंश्योरिंग द कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल द न्यू अकाउंट की सब, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो हमारे लिए मेंटेन होगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारे अकाउंट रिसीवेबल भी फास्टर हो जाएंगे, यानी कैश इनफ्लो जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, हमारे पास जल्दी जल्दी कैश आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, बिल्डिंग द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग द सुपीरियर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। हम क्या कर पाएंगे, कस्टमर को एकदम हाई क्वालिटी की सर्विस हम उनको प्रोवाइड करवा पाएंगे। उसके बाद आता है चार्जिंग फॉर इंस्टेंट एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड। हम क्विकली क्या कर पाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। जैसे हमने देखा था डॉक्यूमेंट को फाइंड करना, फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा था कि बीपी को इंप्लीमेंट करने के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट को सर्च करना, उनको फाइंड करना भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो उसका बेनिफिट भी हमें मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड जो सेवन्थ जो स्टेप आता है वो आता है कौन सा है, डेवलपिंग ऑफ बीपीए। यानी हमने रूल्स रेगुलेशन कंप्लायंस सब कर लिया, हमने आरओई को भी कंप्यूट कर लिया, उसके बाद हमें क्या चाहिएगी, हमारे मैनेजमेंट की अप्रूवल चाहिएगी। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, कंसल्टेशन के साथ मिलके क्या करेंगे, हम बीपीए को डेवलप करेंगे। जिस टाइप का बीपीए की यानी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की हमें रिक्वायर्ड है, उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, अचीव कर सके। उसके बाद क्या आएगा, टेस्टिंग द बीपीए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीपीए को टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग द बीपीए। फिर क्या करेंगे, हम बीपीए को टेस्ट करेंगे। तो बीपीए को टेस्ट करने के अंदर क्या आएगा कि जो हमने बीपीए बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसके लिए हम उसके अंदर कुछ टेस्ट डाटा डाल के देखेंगे। टेस्ट डाटा डालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ठीक है, हमारा सिस्टम सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होगा सही से, तो हम कुछ प्रोसेस लगाएंगे, और प्रोसेस लगाने के बाद क्या करेंगे, हम वापस से हमारे बीपीए को टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम रिमूव हुई है या फिर नहीं हुई। तो वो हम किसके अंदर चेक करते हैं, 8th पॉइंट के अंदर चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे बीपीए को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये थे हमारे बीपीए को इम्प्लीमेंट करने के 8 स्टेप्स। सो अभी हम फर्स्ट स्ट्रगल फटाफट देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा, फर्स्ट स्टेप था कि हम देखते हैं कि हमें बीपीए की ज़रूरत क्यों पड़ते हैं, क्यों पड़ती है, क्योंकि इससे कॉस्ट सेविंग होती है, डॉक्यूमेंट को सर्च करना इजी हो जाता है, टाइम सेविंग होती है, कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा पाते हैं, इसलिए हमें बीपीए की ज़रूरत होती है। फिर देखते हैं रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर। रूल्स रेगुलेशन हमने इसके अंदर देखा था कि हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, इसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट का रिटेंशन पीरियड देखा था, और हमारे जो सेंट्रल है, स्टेट है, और हमारा लोकल लॉ है, उसके बारे में हमने देखा था। फिर आता है हम क्या करेंगे, कौन सी प्रोसेस को हम डॉक्यूमेंट डेट करना चाहते हैं वो हम उसको देखेंगे कि डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट होगा, कहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट आएंगे, किस वे के अंदर होंगे, वो सब हम उसके अंदर देखने वाले हैं। फिर फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने देखा था हमारे गोल्स और ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं। हमारे गोल और ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, हमारे गोल और ऑब्जेक्ट है वो स्मार्ट होने चाहिए, एस का मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए यानी वो डिफाइन किए होने चाहिए, एम का मतलब मेजरेबल यानी हम क्वांटिफिएबल या मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ए का मतलब अटेनेबल होना चाहिए जिन्हें हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें, आर का मतलब हमने पढ़ा था वो रिलीवेंट होने चाहिए यानी जिस हमारे एंटिटी से वो रिलीवेंट होने चाहिए, टाइमली एक डिफाइंड टाइम के अंदर हम उनको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। उसके बाद आता है हम कंसल्टेशन को लेके आते हैं। कंसल्टेशन के बारे में हम देखते हैं कि कंसल्टेशन को हमारी इंडस्ट्री के बारे में पता है क्या, वो हमारे बिजनेस को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, फिर हम उसे देखते हैं वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर पाएगा ना, उसे हमारे इस टाइप की सिचुएशन का क्या है एक्सपीरियंस तो है या फिर नहीं है, उसने कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करवाया है या नहीं करवाया, तो वो सब हम इसके अंदर देखते हैं। फिर हमारे प्रोजेक्ट की हम आरओआई कैलकुलेट करते हैं, आरओआई के अंदर देखते हैं कि हमारे इससे क्या होगा, आरओआई कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करेंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स को बताएंगे कि इससे हमारी कॉस्ट की सेविंग होती है, इससे मेरी इफिशेंसी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है, तो उन सब के बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे।
उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ बीपीए, फिर हम हमारे जो कंसल्टेशन के साथ मिलके क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे बीपीए का, और फिर हम उसको टेस्टिंग करके देखते हैं कि जिस टाइप का बीपीए हमें चाहिए था उस टाइप का बीपीए डेवलप हुआ है या फिर नहीं हुआ। सो ये जो हमारा बीपीए वाला पॉइंट है वो कवर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको केस स्टडीज़ दी हुई है, ये आपको पढ़नी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार प्लेन रीडिंग ले लेना। जो हमने बीपीए की पूरी प्रोसेस पढ़ी है सिर्फ वही प्रोसेस है यहाँ पे डिफाइन की हुई है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये वाला जो पॉइंट है हमारा एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में डिस्कस करके चलेंगे। सो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल #smile को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल।